तो वैसे तो ठीक है, आ चुका है। अब कर रहे हैं विक्की का वेट, क्योंकि हम ट्रिपलिंग में तो जा नहीं सकते, इसलिए डबलिंग में जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं विक्की कहाँ है। तो हमसे पहले पहुँच गया। हाँ तो मैंने क्या बोला था, निकल जाइयो। ये ट्विंस भाई है, देखो तेरा सेम सेम पहन के आ रखे। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, तो मैं हूँ शिवा सिपाल, आप देख रहे हो सिपाल व्लॉग्स। तो आज हम कॉलेज जा रहे थे, तो वैसे भी पढ़ाई वढ़ाई तो चल नहीं रही है, बट कॉलेज ऐसी जा रहे हैं कि थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो आज भी कुछ काम था तो इसलिए हम जा रहे हैं। प्रभात का कॉल आया था सुबह चलते हैं करके, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, घर में बैठ के भी क्या करना है। तो अभी वो आता होगा, अभी हम चलते हैं। वैसे बहुत लेट हो गए, प्रभात का भी कॉल आ रहा था धड़ाधड़, तो मैं आपको आके, और वो से तो बहुत डांटेगा मुझे, पता नहीं क्या करना है। वो पहले से पहुंचा हुआ है देख, बाकी कॉलेज में भी जाना है, अभी लेट हो गया। वैसे ये रहा हमारा प्रभात, ब्लड डोनेट कर दो आज, ब्लड डोनेटर वाला। तो अभी हमें विवेक भी जा रहा है, डीके भी जा रहा है, तो अभी हम यहाँ से डीके को पिकअप करना है, सीमा द्वार में उसका विक्की वेट कर रहा है। तो अभी हम जाते हैं, डीके को उठाते हैं, तब सीमा द्वार पहुँचते हैं। तो डीके हमारा वेट कर रहा है, वो देख सकते हो खड़ा है भाई प्ले स्टेशन में। तो वैसे तो डीके आ चुका है, अब कर रहे हैं विक्की का वेट, क्योंकि हम ट्रिपलिंग में तो जा नहीं सकते, इसलिए डबलिंग में जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं विक्की कहाँ है। भाई कहाँ है वो विक्की? विक्की तो आया नहीं, हमें लगा उसे पहले पहुंच रखा होगा। आया भाई, से कहाँ हो भाई जी? अबे ये वाले आ इसके जल्दी आ जाओ। आ गया आ गया, ठीक है आ चुके हैं विक्की यहाँ पे, तब से वेट करे जा रहे थे। तू तो कह रहा था हमसे पहले पहुँच गया। हाँ तो मैंने क्या बोला था, निकल जाइयो। अभी चलो चलते हैं फिर, ये ट्विंस भाई है, देखो दोनों सेम सेम पहन के आ रखे। तो अभी चलते हैं बाकी। तो गाइस हम तो यही है, क्योंकि इन लोगों ने साले ने ना कॉलेज गए ना घूमने गए, ना बोल रहे पैसे, ना पेट्रोल है, ना कॉलेज जा पाए ना घूमने जा पाया। वापस हम आ गए हम सीमा द्वार में ही। अब दिन तो ऐसे ही चलेगा, मतलब एक दो घंटा में एक ही जगह में बैठ के डिस्कशन करने में निकल गया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ना पेट्रोल है ना पैसे हैं, अभी हम सीमा द्वार जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ प्लान बना तो जा सकते हैं, वरना तो हम यहीं रहेंगे। भाई क्या करना है, चल रहे सुरगंधा, उसको पेट्रोल की हिल्लत आ रही है, उसको लगता है उसकी परी, उसकी परी 400 रुपए का तो फेमस हो जाएगा, इसमें भरा है 1000 का पेट्रोल, चल रहा है सुरकंडा। मैं तो बोल रहा है बहुत पेट्रोल पीती है, इससे बढ़िया इसे बेचते हैं, 10 स्प्लेंडर ले लेते हैं, है ना, बहुत हो गया, रोड रेज भी कर लेंगे और माइलेज भी दे देगी, दो स्प्लेंडर तो आ ही जाएगी, दो स्प्लेंडर। बताओ भाई क्या करना है, अब चलना है कि नहीं? दिमाग खराब हो गया, हम सोच रहे थे कि हम ना जाने की सोच रहे थे, पर ऐसा हो गया ना, हमारे गाड़ी में तेल नहीं है, तो घर से निकले का है जब पेट्रोल ही नहीं था, तो घर से ये थे ना, ये भाई साहब हमारे बड़े, हमने तो तुमको कॉल भी नहीं किया आज, इन भाई साहब ने कहा कि चलते हैं, डीएवी तो गई नहीं, बैंकर। अब तो तेरी मम्मी को फॉरवर्ड हो गया ये, वो तो सब छोड़िए, तेरी गाड़ी में क्या लिखा, RE228427 जितने लोग मरे हैं कारगिल में, मैंने ये पूछा वो नहीं साले, मैंने कहा रेजिमेंट नंबर है तू, ऐसा लग रहा है ना यहाँ खड़े खड़े हमें 2-3 घंटे हो जाएंगे और हमारी शकल भी उतर जाएंगे, तो भूख लगेगी थोड़ी देर बाद और फिर सोचेंगे चलो अब घर ही चलते हैं, और कुछ इरादा है नहीं। सही बात भाई, इसकी देख सकते हो फुल टंकी है, छलक रही है ऊपर तक, हाँ तो 20 लीटर का टैंक है, 10 लीटर इसमें पेट्रोल डाले थे। हाँ नॉर्मली शिमला तक जा सकते हैं, तो ऐसा करते हैं चलो गाइस शिमला चलते हैं। बाकी इसका बाप का पेट्रोल पंप है, प्रभात के बाप का पेट्रोल पंप है, कल ही खोला है, तो मैं चाहता हूं दिखाई नहीं कभी, तो तभी तो पेट्रोल पंप है, बड़ा बिजनेसमैन है। एक गाइस और आ गया बड़ा एक गाइस, अब तो इसकी गाड़ी में जाएंगे 3-3, अब नया मेंबर आ चुका है, इसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा पेट्रोल है, तो हम इसी गाड़ी में हम चारों के चारों जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 बस बनाई जाएगी।
भाई पिछले दो घंटे से सोच ही रहा है। एक आगे सारे ऊपर कर दिए अभी नहीं। भाई ये बोल रहे रेस नहीं देनी बस क्लच छोड़ने अब न्यू मेंबर आ चुके हैं डीके राइडिंग पे सभी बाइक चलानी आती अबे तो एकदम कबीर सिंह लग रहा है डीके ओए बेटे की अबे इसको तो आती है तो क्यों लेके जा रहा पता नहीं ऐसी मजे करने के लिए डीके ने रिटर्न पॉलिसी ली थी इसलिए वापस आ गया नहीं तो हमें नहीं लगता था कि वापस आएंगे भाई सेकंड हैंड कबीर सिंह बुलेट निकाल ले मस्त लग रही है पर ब्लैक में निकालियो अबे फर्स्ट कॉपी है फर्स्ट कॉपी कबीर सिंह तो ये देख सकते हो क्या प्यारी लग रही है बुलेट और अभी हमने सुबह से तो कुछ किया नहीं यहीं पे है तो हम मौसम देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है बाय गॉड ऐसी जगह हम टाइम पे घूमने के लिए बहुत मजा आता है बाकी अभी तो बैठे हैं सब तो गाइस अभी हम चल पड़े तो अभी हम सोच रहे डीके का कुछ काम है स्कूल में तो अभी हम जाते हैं स्कूल को फिर देखते हैं बाकी अभी तो इतना ही हुआ तो गाइस हम साले लड़कियों को छेड़ना बंद करते भाई हम लड़के हमें छेड़ बाकी अभी डीके का काम हमने करा दिया स्कूल का अब घर जा रहे हैं अभिषेक भी मिल गया था और बाकी दोस्त भी मिल गए थे हाँ भाई क्या हो गया वीडियो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या अरे ब्लॉगर आ गए शुगर टंकी तो गाइस कल मैं ना व्लॉग को एंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी तो उसके बाद हम लोग का प्लान बना रात को जाने का तो फ़ोन में बैटरी थी नहीं और ना मैं अपना वो केबल तो फिर मैंने ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया तो एंड आज ही कर रहा हूँ क्योंकि सब घर चले गए थे तो अब मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है आज सुबह मेरे को छोड़ने जा रहा है पैदल इससे मिलो इसका नाम लियो है तो अभी हम चल रहे हैं पैदल घर और देखो हम थोड़ी देर पहले ही उठे हैं तो करते हैं ब्लॉग ख़त्म मिलते हैं अगले एपिसोड में तो ऐसे ही हमारे साथ बने रही है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।